जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कई सारे सवाल आपसे किया जाता है, जिसमें अक्सर एक सवाल किया जाता है, व्हाई शुड वी हायर यू। ये एक ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन है जो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, समझ नहीं आता है कि इसका जवाब क्या दें, खुद ही अपनी तारीफ कैसे करें, खुद ही अपने मुंह में मीठू कैसे बने। लेकिन अगर सवाल क्या है तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, व्हाई शुड वी हायर यू, और इसका बेस्ट आंसर क्या हो सकता है वो भी हम देखेंगे। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम संजय झा है। व्हाई शुड वी हायर यू, इस सवाल को कई तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर, या फिर व्हाई डू यू थिंक यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस पोजिशन, या फिर व्हाई शुड वी हायर यू। ऐसे ही अलग अलग तरीके से आपको पूछा जा सकता है, लेकिन सबका मतलब एक ही है, व्हाई शुड वी हायर यू। बेसिकली ये सवाल करके रिक्रूटर ये जानना चाहता है कि आखिर आपके अंदर वो कौन सी खासियत है जिसकी वजह से आपकी हायरिंग होनी चाहिए। आप अपने आप को दूसरों से अलग कैसे करते हैं, आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं, आखिर आप ही की हायरिंग क्यों होनी चाहिए जबकि 50 पीपल आर वेटिंग आउटसाइड फॉर द इंटरव्यू। देखिए, सबसे पहली बात, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो होमवर्क करना बहुत जरूरी है। कहते हैं जीत उसी की होती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है, इसीलिए होमवर्क करना बहुत जरूरी है। जिस कंपनी में आप जाते हो उस कंपनी का रिसर्च करना बहुत जरूरी है। रिसर्च क्या करने, वो कंपनी मार्केट में कितने साल से है, उस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, उस कंपनी का डायरेक्टर कौन है, उस कंपनी का विजन और मिशन क्या है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसकी डिटेल पढ़िए, एक एक स्किल्स को पढ़िए, एक एक रिक्वायरमेंट को पढ़िए, ताकि जब आपसे यह पूछा जाए व्हाई शुड वी हायर यू, जवाब देने में आसानी होगा, क्योंकि हम वहां पे उसी स्किल्स और एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। जब ये आंसर देना है तो तीन बातों को हम ध्यान में रख के बात करेंगे। पहला, रिलेवेंट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। दूसरा, रिजल्ट एंड अचीवमेंट। तीसरा, पैशन एंड मोटिवेशन। हमारा आंसर इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द होगा। तो एक सैंपल हम यहां पे आपको बताते हैं, जस्ट एन एग्जांपल। आप अपने हिसाब से इसको तोड़ मड़ोड़ के बना सकते हैं, जैसे कि आई एम वर्किंग इन द इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स एंड हैव अ ग्रेट पीपल स्किल्स एंड एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स विच विल हेल्प टू मैनेज इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर्स ऑफ योर रेस्टोरेंट। ऑल्सो आई एम एक्सपर्ट इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड P&L मैनेजमेंट विच विल हेल्प टू मैनेज कॉस्ट ऑफ योर रेस्टोरेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गुड इन इंप्लीमेंटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन डेली बेसिस विच विल हेल्प टू इंक्रीज सेल एंड डिक्रीज कॉस्ट ऑफ योर रेस्टोरेंट। बेसिकली आई एम पैशनेट फॉर माई वर्क एंड सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन विच विल हेल्प टू डू नेक्स्ट न्यू बेटर इन योर रेस्टोरेंट। आई बिलीव दीज स्किल्स एंड एक्सपीरियंस विल हेल्प यू टू टेक डिसीजन। देखिए, यहां पर मैंने हर वो चीजें बता दिया जो एक रेस्टोरेंट में मैनेजमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है। एक रेस्टोरेंट ओनर को क्या क्या चाहिए, जो उसके स्टाफ को संभाल ले, जो उसके कस्टमर को संभाल ले, जो उसके इन्वेंटरी को मैनेज कर ले, जो उसके कॉस्ट को मैनेज कर ले, जो सेल को बढ़ा दे और कॉस्ट को कम कर दे, जो प्रॉफिट बढ़ा दे। यहां पे मैंने वो सारा चीज कवर कर लिया। यहां पे इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर कौन है, इंटरनल कस्टमर आपका इंप्लॉइज है, एक्सटर्नल कस्टमर आपका क्लाइंट है। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होता है, जैसे डेली इन्वेंटरी लेना, डेली समसीट करना, SOPs फॉलो करना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स डेली बेसिस पे इंप्लीमेंट करना, सजेस्टिव सेलिंग करना, ऐसे ही जो छोटे छोटे काम है डेली बेसिस पे, इसको बेस्ट प्रैक्टिसेस करते हैं। और छोटे छोटे काम करके ही बड़ा रिजल्ट आता है। सबसे पहली बात, जब भी आप इसका जवाब दें नेचुरल बात करें, ऐसा ना लगे कि आप रट के आए हैं और
किसी की सुनी सुनाई बात ना करें, क्योंकि जब आप आंसर देंगे तो उस आंसर पे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हो सकता है, तो उसके लिए भी आप जवाब देने के लिए रेडी रहें। तो ये कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज कमेंट करके बताइए। अगला वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइए। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।